हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कलांचू के बारे में। कलांचू आप लोगों को पता है सर्दियों के बहुत खूबसूरत पौधे हैं और बड़ी मल्टी कलर में इनमें ये जो हाइब्रिड वाले होते हैं इनमें बहुत मल्टी कलर फ्लावर्स आते हैं। देखिए इनमें से मेरे पास ये दो कलर के, ये येल्लो और ये रेड। इनकी मैंने मतलब कटिंग लगाई हुई है इसलिए ये दो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये पिछले साल मैंने कटिंग लगाई थी और ये वाला जो है ये लास्ट ईयर भी मदर प्लांट था। मतलब इसमें से लेकर ये सारे रेड वालों की कटिंग लगाई हुई है। रेड वाले जो होते हैं उनकी कटिंग लगाना सबसे आसान होता है। अगर आपको कलांचू मल्टीप्लाई करने हैं तो सबसे पहले आप रेड वाले पर ट्राई करें। इस तरह की जिनकी लीव्स होती हैं, देखिए इस तरह की लीव्स होती हैं, इन पर ट्राई करें। वैसे तो ट्राई सब पे करना चाहिए पर मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जिनकी लीव्स होती हैं ऐसी, इन पे ट्राई करें। और ये देखिए, ये येलो वाले की लीव्स ऐसी हैं। येलो वाला भी कटिंग से लगा था मेरा और ये रेड वाले के तो देखिए कितने सारे, एक आधा गमला अभी उधर भी पड़ा है, इतने सारे ये तैयार हो गए। अब क्या है कि इसको मैंने यहाँ पे ये वाटर टैंक है इसके ऊपर लाइन बना के रख दिया और धूप इधर से आती थी इधर से, तो देखिए ये सारे जो हैं वो एक साइड को ऐसे झुक गए। ये देखिए ये सारे एक तरफ को, ये मैंने अभी इसकी कटिंग कर दी है, ये एक तरफ को ऐसे झुक गए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो बिल्कुल ऐसे सन में, मतलब ऐसी जगह होते हैं जहाँ ऊपर से धूप आ रही होती तो ये ऐसे झुकते नहीं है। इसको मैं अगर हिलाती तो इतना मतलब झुकते नहीं। देखिए ये कितने ज़्यादा ऐसे ऐसे झुक गए हैं ये। तो अब मैं चाहती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि जब बारिश आए, अभी जैसे अब हमारे यहाँ तो शुरू होने जैसा हो गया है बारिश, और ये देखिए कैसे बादल आए हुए हैं। आज भी बारिश भी हुई यार, अभी भी क्लाउडी लग रहा है, घने नहीं है बादल लेकिन क्लाउडी है। और अभी नहीं तो अभी थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, तो जब बारिश शुरू हो जाए तब भी आप कर सकते हैं। और जब थोड़ा सा बारिश शुरू होने से पहले क्लाउडी सा रहना शुरू हो जाए, टेम्परेचर जब गिरना थोड़ा शुरू हो जाए तब कर सकते हैं। मैं सोचती हूँ इनकी जो है ये जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं इनकी ऐसे छोटी छोटी मैं ऐसे कटिंग्स उतार रही हूँ। ये देखिए इनकी ये, ताकि जितनी ये उतारूँगी कटिंग्स उतने जैसे ये टेढ़ा हो रहा है ये निकाल लूँगी। तो ये जितनी कटिंग्स इनकी हटाऊँगी उतने ये ज़्यादा और ज़्यादा इसमें नई ब्रांचेस आके पौधा जो है वो और थोड़ा सा बुशी बनेगा और हमें नए पौधे मिल जाएंगे। कलांचू का जो इस तरह वाले जो हाइब्रिड कलांचू हैं, एक एक पौधा जो है 120, 140, 150 तक मिलता है। इसलिए ये घर में अगर हमारे एक साथ बहुत सारे ऐसे पौधे तैयार हो जाए, देखिए तो हम लोगों को, ये देखिए ऐसे इनको काट लेंगे क्योंकि ये पौधा जैसे देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ये मदर प्लांट भी इसी से पिछली बार भी हमने ली थी कटिंग्स, तो बहुत ज़्यादा लंबा होके ये डी शेप होगा। और जब हम इसकी ऐसे कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए जब मैं इसकी ऐसे कटिंग कर रही हूँ तो फिर नई ब्रांचेस निकलेंगी और जो नई ब्रांचेस निकलेंगी उनमें फिर हर ब्रांच के एंड में फ्लावर निकलता है ना, तो फिर उनमें और ज़्यादा इसमें फिर फ्लावर्स आएंगे। तो इस पौधे को मैं थोड़ा सा हल्का करती हूँ और इन सभी की मैं ये जो है ये सारे कटिंग्स लगे हुए हैं, तो अब ये कटिंग्स जो है इनकी शेप ख़राब हो रही है। तो ये देखिए अब इनमें से मैं इनकी ये निकालती जाऊँगी और फिर क्या करूँगी, अभी देखिए मैंने इनमें ये भी लगा दिए हैं बीच में कि जब तक इनमें, ये देखिए इनको ऐसे काटूंगी ताकि ये भी घने हों, क्योंकि देखिए इसमें एक एक दो दो तीन तीन ये कटिंग्स देखिए लगी हुई हैं और इनमें ही अपन एक 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 दो कटिंग मैं और लगा दूंगी ताकि इनमें घने हो जाएं ये और नए पौधे लग के एक एक पौधा जो है वो घना हो जाए। देखिए ऐसे इनको मैं कट कर रही हूँ, काफ़ी कट कर दिया देखिए मैंने, ये देखिए। तो अब क्या है कि इनकी और देखती हूँ, जहाँ तक थोड़ा सा ऐसे कटिंग करें तो
तो नए गार्डनर हैं तो थोड़ा सा डर के ही करें कि बिल्कुल गंजा नहीं करें पौधे को। अब ये शेप खराब हो रही है ना, तो मुझे ये आगे आगे बढ़ती जाएगी और पौधा और ज़्यादा खराब होता जाएगा। इतनी सारी इसकी कटिंग्स बना ली हैं, ये जो हिस्से काटे हैं। अब ये काम आप बारिश में तो ज़रूर करें, कलांचू अगर आपका बच गया है तो बारिश में ज़रूर करें। ये देखिए ऐसे इनको ऐसे काट लेंगे हम। ये देखिए नीचे की पत्तियाँ इनकी, सारी पत्ती थोड़ी सी ध्यान से करेंगे एक 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 एक, क्योंकि इसकी ये ब्रांच भी बड़ी वो होती है, टूट जाती है ऐसे। इसको सारे को देखिए कितनी सारी, और अगर हमें ये इतने सारे फ्री के पौधे मिल जाएंगे तो हमारे पास कितने पौधे इकट्ठे हो जाएंगे। नर्सरी से लेने जाते हैं तो डेढ़ डेढ़। अच्छा अगर फिर अब बारिश के दिनों में इसको हम लगाएंगे, ठीक है, और लगाने के बाद हम इसको जो है किसी कवर्ड जगह में रखना है, बारिश में नहीं रखना, क्योंकि ये जो है ये सक्यूलेंट है तो इसकी पत्तियों में भी पानी होता है। देखिए दिखाऊं, इसको ऐसे करते हैं तो इसकी पत्ती में भी पानी होता है। देखिए आपके पास कलांचू है तो देखना आप, इसकी पत्ती में ऐसे गीली हो जाती है उंगली, पानी है। इसके स्टेम में भी पानी है, तो इसको अगर हम जो है वो बारिश में रख देंगे कटिंग को लगे हुए को तो ये गल जाएगा। इसलिए बारिश के मौसम में जो मॉइस्चर है उससे ही इसको मिल जाएगा जो इसको चाहिए, चारों तरफ मॉइस्चर। और पानी हम इसको बारिश का ही पानी आप दें, या थोड़ी देर के लिए जैसे बारिश आ रही है 5-7 मिनट इसको बारिश में रख दें, या फिर बारिश का पानी कलेक्ट करके दे दें। मतलब इसकी मिट्टी को हमें मॉइस्ट ही रखना है, लेकिन इसको गमले को बारिश में नहीं रखना है। तो इसको देखिए ये गमला है, इसमें ऑर्डिनरी मिट्टी है जो सॉइल मिक्सचर हमारा होता है, और इसमें अभी हम इनको लगाते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि जून में आप ये क्यों कर रहे हैं। एक तो देखिए इस बार जून में अभी बारिश शुरू होने जैसा हो गया है, उतनी गर्मी नहीं है हर साल जितनी। और दूसरा जो मैं ये बोलती हूँ, ये न्यू गार्डनर्स के लिए ज़्यादा बोलती हूँ, और स्पेशली जब हर साल गर्मी पड़ती है, इस साल गर्मी थोड़ी कम है। और अभी आप लोग अगर न्यू गार्डनर हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें बारिश का, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देखिए अब मैं रूटिंग हार्मोन इसमें लगाती जा रही हूँ, ऐसे रूटिंग हार्मोन लगाएं और एक्स्ट्रा को ऐसे झाड़ दें। और ऐसे अगर जिनके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है वो दालचीनी जो है वो, ये देखिए ये छोटा सा था मिट्टी, मैंने यहाँ इसको हिला के मिट्टी को सॉफ्ट किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा छोटों के लिए इतना बड़ा होल वेस्ट नहीं करूँगी उनको। ये देखिए ऐसे इसको लगा देंगे, और जब इनमें रूट ये डेवलप हो जाएगी, रूट ये बना लेंगे अपनी, फिर हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं दिवाली के आसपास, या सितंबर में भी कर सकते हैं। तो अभी हम इन्हें हमें लगाना है। ये देखिए, तो ये देखिए ऐसे लगा दिए हैं, तो मैंने आपको बता दिया है बस कि ये देखिए कितनी सारी कटिंग्स हैं। हम इनको सबको मैं लगा दूंगी, और इनकी अब इसमें थोड़ा सा पानी दे दूंगी। पानी जो है आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना। और ये फिर मैं बता दूं कि जब हम इसमें वो लगा रहे हैं रूटिंग हार्मोन, तो उसके बाद ये ऐसे रख के और ऐसे इसको दबा देना है, होल को बंद कर देना है अच्छी तरह से। और बस आप इसको आप थोड़ी कवर्ड जगह में रखेंगे, और या ऐसी जगह में रख दो जहाँ थोड़ी थोड़ी सुबह की धूप इनको मिल जाए, वो भी जगह इनको बहुत अच्छी रहेगी इन कटिंग्स को। और या फिर ऐसी जगह जहाँ इनडायरेक्ट अच्छी ब्राइट इनको धूप मिलती रहे। और थोड़ा सा अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो थोड़ा सा आप मौसम ठंडा होने का इंतज़ार कर लें, हल्की सी बारिश शुरू हो जाए उसका इंतज़ार कर लें, और इसको फिर ऐसे लगा दें। इससे दो फायदे होंगे, देखिए एक तो ये इनकी ट्रिमिंग हो गई प्लांट की, तो ये प्लांट अब जो है वो और एक बार ऊपर से ट्रिमिंग हो जाती है तो प्लांट और ज़्यादा घना आगे से अब बनेगा, और दूसरा हमको बहुत सारी कटिंग्स मिल गई हैं। और इस वाले की भी ये देखिए ये ऐसे कैसे गिर रही है, ये देखिए ग्रो कर रही है ब्रांच, इसको भी ऐसे काट देते हैं।
तो फ्रेंड्स बस इस तरह से हमें बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, इस तरह से हम कलांचू की कटिंग लगा सकते हैं। अभी अच्छा टाइम है और आने वाला है जुलाई में, तो मैंने आपको पहले से बता दिया इस तरह से कटिंग लगा लें और उसको बारिश से बचा के रखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।